हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ इम्पैटस अकेडमी में। और अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कशन करा था न्यू बॉर्न बेबी केयर। है जी बेटा, क्या पढ़ रहे थे? न्यू बॉर्न बेबी केयर। हमने कहा था न्यू बॉर्न बेबी केयर में कि किसी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, किसी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे थे? इमीडिएट असिस्मेंट क्या किया? सबसे पहले तो हमने रेस्पिरेशन चेक करा, और किसी पर्सन को रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी थी उस बच्चे को, तो हमने क्या इंपॉर्टेंट थिंग करा था बेटा? हमने सक्शनिंग करी थी, फिर हमने सक्शनिंग का प्रेशर मापा था, बताया था कितने सेकंड तक करनी है, फिर हमने कहा था कितने फ्रेंच का कौन सा कलर यूज करना है, अडल्ट बॉय है अडल्ट गर्ल है तो कितने फ्रेंच का होगा, है ना? याद है या भूल गए? और अगर भूल गए तो पीछे की क्लास में जाकर वापस याद कर ले। तो बेटा इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में और बताता हूं। न्यूबॉर्न बेबी केयर जब अपन करते हैं, सबसे पहला काम अपन क्या करके चलते हैं बेटा जी? सक्शनिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहला जो काम हमारा था, और वो हमने कल वाली क्लास के अंदर क्या कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। जो बच्चे आज ही क्लास से जुड़े हैं वो पीछे की क्लास में जाकर एक बार देख लें। नेक्स्ट, सक्शनिंग करने के बाद नंबर दो काम जो होता है अपना, वो क्या होता है बेटा? वो नंबर दो काम जो रहता है अपना, वो होता है अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा इसी क्लास के अंदर, जिक्र करूंगा अपगार स्कोरिंग के बारे में। बट उस अपगार स्कोरिंग किसने दिया, ये अपगार जो लिखा हुआ है इसके मीनिंग क्या होते हैं, सारी वो चीजें बेटा, है सारे के सारी चीजें बात करके चलेंगे अपन नेक्स्ट थोड़ी देर बाद में। इससे पहले थर्ड जो केयर होती है वो क्या होती है बेटा जी? वो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड कटर। क्या होती है डियर? अम्बिलिकल कॉर्ड कटर होता है। इसके बाद में फोर्थ थिंग जो अपने को काम करना होता है वो क्या करना होता है बेटा जी? ड्राई द बेबी। क्या करना होता है? ड्राई द बेबी। देखिए मैं वो इमीडिएट इंटरवेंशन बता रहा हूं, है जी। फर्स्ट इंटरवेंशन तो क्या कहा मैंने? सक्शनिंग। अगर एग्जामिनर तुमसे पहले क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होता है, तो फर्स्ट इंटरवेंशन क्या है बेटा जी? सक्शनिंग करी जाती है। क्या करी जाती है? सक्शनिंग करी जाती है। इस बात का क्या रखें आप ध्यान? अब मैंने बच्चे को क्या कर दिया है? ड्राई भी कर दिया है, ड्राई द बेबी। उसके बाद में मैंने क्या करना है भाई? ये चार काम मैं कर चुका हूं। सक्शनिंग करी, अपगार स्कोरिंग करी, अम्बिलिकल कॉर्ड का कट करा, ड्राई द बेबी करा, और बेबी को ड्राई करने के बाद में अब मुझे जो फिफ्थ नंबर पे करना है वो क्या करना है बेटा? इतनी बातें डिनोट करें, आप सभी अपने नोट्स बनाते रहें। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग जो करनी है वो क्या करनी है डियर? वो अपने को करना है फिफ्थ नंबर पे, और वो हम क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बेटा। क्या करेंगे हम बच्चे का? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद में नेक्स्ट अपने को क्या करना है? नेक्स्ट अपने को बच्चे में क्या होगा? अरे क्या होगा बच्चे का? आइडेंटिफिकेशन बैंड जो है वो आइडेंटिफिकेशन बैंड हमें बांधना है। क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन बैंड। अभी के आइडेंटिफिकेशन के बारे बैंड के बारे में भी डिटेल बताऊंगा कि बेबी गर्ल है तो क्या बांधेंगे, बेबी बॉय है तो क्या बांधेंगे, है ना, सारी बातें। लेकिन थोड़ा शब्द करेंगे पहले। उसके बाद नंबर सात पे अपन क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं बेटा जी? करते हैं अपन इंजेक्शन लगाते हैं। किसका इंजेक्शन लगाते हैं? विटामिन के का। क्यों लगाते हैं? क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर है, और बच्चे के ब्लड में जो अभी अभी पैदा हुआ है उसमें क्या नहीं है, उसमें कोगुलेशन नहीं है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। तो प्रिवेंट कराने के लिए क्या करता हूं मैं? विटामिन के का इंजेक्शन लगाता हूं। उसके बाद में नेक्स्ट काम जो मुझे करना है वो क्या करना है? उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट एक और काम करना है, वो क्या करना है नेक्स्ट सुनिएगा। और विटामिन के का इंजेक्शन दे दिया, उसके बाद में क्या करूं नेक्स्ट? विटामिन के का इंजेक्शन देने के बाद में मैं दूंगा बच्चे को न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन यहाँ पे रोटियां नहीं दूंगा, रसगुल्ले नहीं दूंगा, बर्फी नहीं दूंगा, गुलाब जामुन नहीं दूंगा बेटा। हाँ, कहीं शादियों का सीजन है, बोला सर मुंह में पानी आ रहा है भाई, अपने पास नहीं है, मंगवा कर खा लीजिए, वरना शादी में चेप ही। चलो क्या करना है? न्यूट्रिशन।
तो यहाँ पर न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रिशन का मतलब है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, वो भी मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट बताता रहूंगा कि जैसे ही मान लीजिए कि बच्चे की बेबी की जो है नॉर्मल डिलीवरी है तो हाफ एन आवर के बाद में हम क्या करा देते हैं बच्चे को है फीड करा देते हैं, या फिर ऑप्शन में ऐसे लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, एज सून एज पॉसिबल, कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर यही LSCSS लोअर सीजेरियन सेक्शन है बेटा तो यहाँ पर फिर अपन ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं 4 घंटे बाद में, कितने घंटे बाद में कराते हैं 4 घंटे बाद में। तो मैंने क्या करना है बच्चे को न्यूट्रिशन देना है, और न्यूट्रिशन देने के बाद में नेक्स्ट केयर क्या करनी है मुझे, मुझे करनी है बच्चे के फुट और फिंगर जो है जी उनका क्या कर लेना है, प्रिंट लेना है, किसका प्रिंट लेना है, प्रिंट फुट एंड फिंगर, इन सब का प्रिंट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं कई बार क्या हो जाता है बच्चे इधर उधर मिसमैच हो जाते हैं, तो यही वो सिचुएशन है जहां पर हमें क्या करेगी, हेल्प करेगी ये प्रिंट्स बता देंगे, एक तरीके के बोल सकते हैं ना फिंगर प्रिंट है ये, क्या है फिंगर प्रिंट है बेटा। तो हम क्या करते हैं इसके बारे में हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। समझ में आई, अरे बोलो हाँ और नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें बताया हूं मैं, सक्शनिंग करी है, अपगार स्कोरिंग चेक करा है, अरे करा या नहीं, अम्लीकर कोड कटक करा है, बेबी को हमने क्या कर दिया है ड्राई कर दिया है, अरे हाँ या नहीं, फिजिकल एग्जामिनेशन लिया है, फिर मैंने क्या करा है फिजिकल एग्जामिनेशन लेने के बाद में विटामिन के का इंजेक्शन भी लगाया है बच्चे को, हाँ या नहीं, उसके बाद न्यूट्रिशन दे रहा हूँ, उसके बाद बच्चे की फुटप्रिंट ले रहा हूँ, ये सारी वो चीजें हैं बेटा, कौन सी चीजें हैं, अरे न्यूबॉर्न बेबी की केयर है, अरे किसकी केयर बता रहे हैं, न्यूबॉर्न बेबी की केयर बता रहे हैं। तो बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत जबरदस्त रहेगा, बिंदास रहेगा, मदमस्त मदहोश रहेगा, और वो क्या रहने वाला है बेटा, वो रहने वाला है आपका अपगार स्कोरिंग, क्या रहने वाला है अपगार स्कोरिंग रहने वाला है बेटा, ये लीजिए अपगार स्कोरिंग, बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा कि कब आया, कैसे आया, किसने बनाया, इस अपगार स्कोरिंग का मीनिंग क्या है, कैसे बच्चे में मार्किंग दी जाती है, कितना स्कोर होगा तो क्या होगा, कितना स्कोर होगा तो क्या होगा, वो हर एक छोटी छोटी बात और वो हर एक बड़ी बड़ी बात जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, वो सारी बातों के बारे में क्या करेंगे भाई, डिस्कशन करेंगे, क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि अपगार स्कोरिंग जो है क्या है अपगार स्कोरिंग, इस अपगार स्कोरिंग को पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस अपगार स्कोरिंग को इन्वेंटेड, इन्वेंटेड का मतलब मैं कह सकता हूं कि इसको लाने वाला या इसको जो बनाने वाला है वो कौन है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, कौन है बेटा जी, तो इसको बनाने वाले हैं डॉक्टर वर्जीनिया, कौन है बेटा जी, डॉक्टर वर्जीनिया एंडरसन है, कौन है डॉक्टर वर्जीनिया एंडरसन, या डॉक्टर वर्जीनिया अपगार बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा जी, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार हम इसे बोलकर चलते हैं। समझ में आई क्या बात, अरे हाँ या नहीं, वर्जीनिया डॉक्टर क्या बोलते हैं बेटा जी, वर्जीनिया वी आर आई होता है, सॉरी है ना थोड़ा सा करेक्शन कर ले बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, क्या होता है आर आई, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार को किसने स्टार्ट किया था, इन्वेंशन किया था, इन्वेंटेड किया था, किसने किया था अपगार स्कोरिंग को, तो डॉक्टर वर्जीनिया ने किया था, किसने किया था रे, डॉक्टर वर्जीनिया ने, है जी, कब किया था क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा कब किया था, तो हम बताकर चलेंगे कि कब किया था 1952 के अंदर, कब किया था 1952 के अंदर, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने बताया था कि बच्चे के पैदा होने के बाद में, बच्चे के पैदा होने के बाद में सबसे पहले है ना विद इन 1 मिनट और विद इन 5 मिनट, है जी क्या बोल रहा हूं मैं सुनिएगा, दो बार, कितनी बार, 2 times क्या करा जाता है अपगार स्कोरिंग चेक करी जाती है, फर्स्ट जो करी जाती है वो करी जाती है बेटा विद इन 1 मिनट, कितनी देर के अंदर अंदर करा जाना चाहिए अपगार स्कोर, विद इन 1 मिनट, सेकंड थिंग देखिएगा बेटा, दूसरा क्या करा जाता है विद इन
5 मिनट कि 5 मिनट के अंदर अंदर दोबारा क्या करना है हमें अपगार स्कोरिंग चेक करनी है बेटा। 5 मिनट के अंदर अंदर हमें क्या करनी है दोबारा जो है वो अपगार स्कोरिंग चेक करनी है। अरे बात समझ में आ रही है और नहीं आ रही बताइए भाई मुझे बताइए, अगर आ रही है तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रही है तो बताइए कि सर ऐसा कैसे। मैं फिर कह रहा हूं कि अपगार स्कोरिंग जब चेक करेंगे तो दो बार करा जाता है विद इन 1 मिनट फर्स्ट टाइम किया जाता है और विद इन 5 मिनट जो है कब किया जाता है बेटा, अरे कब किया जाता है बोलिए 5 मिनट पे। अब आपसे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, तो भाई फर्स्ट तो ये है है ना, लेकिन पूछ रहा है क्या है मोस्ट एक्यूरेट पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है एक्यूरेट पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है मोस्ट रिलायबल पूछना चाहता है, अरे बिल्कुल परफेक्ट जानना चाहता है बेटा। तो जो 5 मिनट के अंदर किया जाने वाला है वो मोस्ट रिलायबल अपगार स्कोरिंग कहलाती है, क्या कहलाती है मोस्ट रिलायबल अपगार स्कोरिंग कहलाती है। अब देखिएगा ये जो अपगार स्कोरिंग की बात समझ में आ गई होगी यहां तक तो बिल्कुल क्लियर बात है, अब आगे सुनिए, आगे सुनने के बाद बताइएगा मुझे कि ये जो अपगार स्कोरिंग है सर क्यों करते हैं, मतलब एग्जैक्ट मैं ही जानना चाहता हूं ना कि अपगार स्कोरिंग जो है इसमें होता क्या है, ये किस चीज का असेसमेंट करती है, तो इन पांचों का मीनिंग तो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले नॉर्मली अगर मैं कह दूं तो अपगार स्कोरिंग क्या करता है बेटा, हेल्प करता है किन किन चीजों के बारे में, बच्चे का रेस्पिरेशन बता देता है क्योंकि हम यहां पर चेक करते हैं पल्स चेक करते हैं, हम क्या चेक करते हैं पल्स चेक करते हैं। दूसरा देखिएगा बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम के बारे में बता देता है, बच्चे की एक्टिविटी बता देता है कंट्रोल है कि नहीं है, है जी। उसके अलावा क्या बता देता है, क्या बता देता है सीवियर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग को भी बता देता है जो कि पल्स रेट हमें बताती है, जो कि पल्स रेट हमें क्या करती है बताती है। और भी अब मैं आगे तुम्हें इसी के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, ये अपगार स्कोर जो है वो अपगार स्कोर की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि अगर ये पता है ना तभी आपका मजा आएगा कि व्हाट इज द अपगार, अपगार है क्या, अपगार अपगार कर रहे हो सर, इस अपगार का एग्जैक्ट मीन हमें बताइए। तो बेटा सुनो अपगार का एग्जैक्ट मीन क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने ए लिखा है, फिर जी ए पी लिखा है, ए लिखा है, आर लिखा है। ए माने क्या होता है बेटा, ए के मीनिंग होता है अपीयरेंस, ए माने क्या होता है बेटा जी अपीयरेंस होता है, और अपीयरेंस किसका होगा यहां पर, अपीयरेंस मतलब मेरा कलर थोड़ी ना देखना है, किसका कलर देखना है उस बच्चे का, तो मतलब अपीयरेंस किसका है स्किन का, कलर जो है वो स्किन का कलर मुझे देखना है। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट मुझे क्या करना है, दूसरा जो काम है वो क्या काम करना है पी है, पी माने क्या होता है पल्स मुझे चेक करनी है, क्या बोल सकता हूं मैं हार्ट रेट चेक करूंगा, अरे क्या बोल सकता हूं बच्चे की हार्ट रेट चेक करूंगा, है जी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिएगा जी माने क्या होता है ग्रामिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा ग्रामिक, या फिर हिंदी अगर मैं डायरेक्ट शब्द का मीन बताऊं क्या बोलते हैं इसे ग्रेमिस बोलते हैं, जी आर आई एम ए एस ई ग्रेमिस, मतलब ये क्या बता रहा है ये बच्चे के रिफ्लेक्स का रिस्पॉन्स दे रहा है कि बच्चे में जो रिफ्लेक्स आ रहे हैं वो है भी या नहीं है, अरे समझ में आई क्या बात, बोलिए किसकी बात कर रहा है रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स को बताता है। नेक्स्ट बात आता है ए, ए माने क्या होता है बेटा जी, ए माने होता है कि बच्चा कितनी एक्टिविटी कर रहा है, अरे वो हो गया पैदा हो गया रो रहा है कि नहीं रो रहा, वो चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया, वो वैसा का वैसा ही तो नहीं है तो बड़ी दिक्कतें हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे की जो एक्टिविटी है वो बराबर है या नहीं है, बच्चे की एक्टिविटी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकता हूं मैं इसको कि बच्चे की एक्टिविटी कब होगी जब उसके अंदर होगा मसल्स टोन, अरे जब उसके अंदर क्या होगा मसल्स टोन मतलब मसल्स की एक्टिविटी होगी। और आर मानी तो बेटा आप सब जानते होंगे और बहुत बढ़िया से जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि हम बच्चे का क्या चेक करते हैं रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन बोल सकते हो, है जी बच्चा जो है कितनी रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो एफर्ट लगाकर चल रहा है, और क्या हो गया बेटा अपीयरेंस,
पर्ल्स, ग्रेमिस, एक्टिविटी, अरे वन मोर थिंग वापस रिपीट कर लें फटाफट रिवीजन करें, ए मानी अपीयरेंस, इसके अपीयरेंस उसके स्किन का कलर देखेंगे, ब्लू कलर है, पिंक कलर है, ग्रीन कलर है, व्हाइट कलर है, कैसा कलर है, अरे बच्चा काला पैदा हुआ है क्या, बच्चा गोरा पैदा हुआ है क्या, बच्चे की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है क्या, अरे बच्चे में पीलिया तो नहीं हो गया है, ये सारी चीजें कहां देखते हैं लाला, अपीरियंस में, कहां देखते हैं अपीरियंस में, और जब अपीरियंस में ये देखेंगे उसके बाद मैं दूसरी चीज क्या चेक करूंगा कि बच्चे का दिल धड़क रहा है कि नहीं, बराबर काम कर रहा है कि नहीं, 120 से 160 के बीच में हार्ट रेट आ रही है कि नहीं, ब्रेडीपिनिया तो नहीं है, टेकीपिनिया तो नहीं है, सॉरी ब्रेडीकार्डिया तो नहीं है, टेकीकार्डिया तो नहीं है, अगर रेस्पिरेशन की बात आ रही है वहां है ब्रेडीपिनिया, वहां है टेकीपिनिया, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, ग्रेविस बच्चा निकल पा रहा है कि नहीं, बच्चे में रिफ्लेक्स प्रेजेंट है कि नहीं है, अरे रिस्पांस कर पाता है कि नहीं है, बच्चे की बॉडी एक्टिविटी कर रही है कि नहीं कर रही, बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा, बच्चा जैसे था वैसे क्या वैसे चुपचाप तो नहीं है, बच्चा किस तरीके का रिस्पांस कर रहा है, उस बच्चे की कहानी हम यहां पर पढ़कर चलते हैं, कहां पर पढ़कर चलते हैं बेटा, हम पढ़कर चलते हैं अपगार स्कोरिंग के अंदर, अरे कहां पढ़कर चलते हैं डियर, अपगार स्कोरिंग के अंदर, अब देखिएगा अपगार स्कोरिंग की बातें हो रही है तो हमें एक डायरी बनानी पड़ेगी बेटा, या फिर मैं कह सकता हूं एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसे पूरा समझना पड़ेगा, जिसे क्या करना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा। तो अब देखिए ये दे रहे हैं ठीक है, वैलेंट गुड है, हम एक टेबल बनाते हैं उस टेबल के माध्यम से देखते हैं, लेकिन इसकी के साथ में देखिएगा मैं एक और बात बताना चाहूंगा तुम्हें, और वो बात क्या है सुनिएगा मेरी नेक्स्ट बात में, ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर मैं टेबल बना रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या देखी है, मैंने देखी है बच्चे की अपीयरेंस, क्या देखी है डियर, बच्चे की अपीयरेंस, अब बच्चे की अपीयरेंस में जो मैं मार्किंग देता हूं बेटा, मैं क्या करता हूं, जो मैं मार्किंग देता हूं वो मार्किंग किसके बेसिस पर देनी है, और एग्जामिनर तुमसे क्या पूछता है कि वो मार्किंग मिनिमम कितनी दे सकते हो तुम, पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि वो मार्किंग तुम मैक्सिमम कितनी दे सकते हो। तो बेटा जब मिनिमम की बात आए तो जीरो दे सकते हैं, और मैक्सिमम की बात आए तो दो दे सकते हैं, कितनी दे सकते हैं बेटा जी, दो दे सकते हैं, अरे बोलिए कितनी दे सकते हैं, दो। अब ये तो इसकी अपीयरेंस पे देते हैं, ये तो इसकी अपीयरेंस पे देते हैं, लेकिन मान लीजिए मैं एक छोटा सा ऑप्शन तुम्हारे सामने एक एग्जांपल के तौर पे रखता हूं कि किसी की पल्स रेट बहुत बढ़िया है, मैंने मार्किंग दी दो, है जी, किसी का रेस्पिरेशन बहुत बढ़िया है, मैंने मार्किंग दी दो, किसी का अपीयरेंस बहुत बढ़िया है, मैंने मार्किंग दी, अरे टोटल 6 मार्किंग है, तो वहां पर बेटा 6 मार्किंग नहीं है, टोटल स्कोरिंग जब अपन करने जाते हैं तो फिर वहां पे मैक्सिमम मार्किंग कितनी हो जाती है उसे अपन 10 बोलते हैं, और फिर मिनिमम कितनी होती है डियर, वो होती है 0। अरे कितनी होती है 0, समझ में आ गया क्या, टोटल अगर पांचों को कैलकुलेट करूंगा तो 10 हो जाएगी कि नहीं, बोलो होगी कि नहीं, अगर मैं सब में 0-0 है मतलब बच्चा किसी तरीके का कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, दैट मींस बेटा क्या है, बच्चा लाइव नहीं है, बच्चे की बॉडी फंक्शन नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं बच्चे में सीवियर डिस्ट्रेस है, आरडीएस है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, या फिर फर्दर चीजें हो सकती है। समझ में आई क्या बात, अरे बोलो हाँ और नहीं। सबसे पहले सुनिएगा, सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, मैंने कहा था ए, ए मानी क्या बोला बेटा, अपीयरेंस, अरे क्या बोला, अपीयरेंस। अब देखिएगा ये जो अपीयरेंस होती है, अपीयरेंस का मतलब क्या कह रहा हूं, अपीयरेंस का मतलब कह रहा हूं बेटा स्किन का कलर, अरे क्या कह रहा हूं, अपीयरेंस का मतलब स्किन का कलर। अच्छा मैं एक चार्ट बना लेता हूं, उस चार्ट से पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी, और उस चार्ट को तुम लोग भी क्या कर लो, डिटेक्ट करते चलो मेरे साथ में, बहुत फायदेमंद सौदा है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है, है जी, क्या बोलूंगा मैं, क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया में मेरे पास कितनी चीजें आने वाली हैं, क्राइटेरिया में मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सबसे पहले आएगा अपीयरेंस, अरे क्या आएगा डियर, अपीयरेंस, ए मानी अपीयरेंस, पी मानी क्या था बेटा, पी मानी था पल्स रेट, फिर क्या लिखा था हमने पल्स के बाद में क्या आया था, जी, जी मानी क्या आया था, ग्रेमिस, क्या आया था बेटा जी,
ग्रेमिस्ता, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या लिखा, हमने कहा एक्टिविटी, क्या कहा था एक्टिविटी, और लास्ट हमने क्या कहा था, लास्ट हमने कहा था रेस्पिरेशन। ऐसे कैसे चार्ट बना ले बेटा मेरे साथ में, अरे ऐसे कैसे चार्ट बना ले, इससे क्या होगा, इससे आसानी होगी समझने में बेटा जी, क्या होगी, इसे आसानी होगी। अब समझ में आ रही है क्या बात, ऐसे बनाइए फटाफट मेरे साथ में, बना लिए क्या, हाँ चलिए। उसके बाद में क्राइटेरिया सेट करा है हमने, ये क्या करा हमने, क्राइटेरिया बता दिया। अब देखिएगा, एक मैं क्या दूंगा, मैं दूंगा एक तो जीरो मार्किंग दूंगा बेटा, एक क्या दूंगा मैं एक मार्किंग दूंगा, एक मैं क्या दूंगा दो मार्किंग दूंगा, दूंगा कि नहीं, मैंने कहा था कि किसी भी कंडीशन में मिनिमम मार्किंग कितनी है, जीरो है, किसी भी कंडीशन में मैक्सिमम मार्किंग कितनी है, टू है बेटा। अरे है या नहीं है बोलो, अरे बोलो हाँ या नहीं। अब देखिएगा बात किसकी कर रहा हूं, सबसे पहले बात कर रहा हूं अपीयरेंस की। अरे किसकी बात कर रहा हूं, अपीयरेंस की। अगर बच्चे की बॉडी का कलर कैसा पड़ा है, नीला पड़ा हुआ है, बच्चे की बॉडी कैसे है बेटा जी, ब्लूइश कलर की है, कैसे कलर की है, ब्लूइश कलर की है। अगर ब्लू कलर हो रखा है, कैसा हो रखा है, ब्लूइश कलर हो रखा है, मतलब बच्चा जो है वो बच्चा कैसा पड़ गया है, नीला है, उसकी बॉडी की अपीयरेंस ब्लू है, वहां मार्किंग दूंगा जीरो। अरे कितनी मार्किंग दूंगा, जीरो दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बच्चे की बॉडी जो है, बच्चे की बॉडी में क्या देखा जा रहा है, एक्रोसाइनोसिस देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, एक्रोसाइनोसिस। बेटा एक्रोसाइनोसिस किसे बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन है तो सही है, बॉडी का कलर पिंक दिख तो रहा है लेकिन परफेक्ट पिंक नहीं है बेटा, परफेक्ट क्या नहीं है, पिंक नहीं है। देखिएगा नॉर्मल बॉडी का कलर कैसे होता है बेटा जी, पिंक कलर होता है। कैसा होता है नॉर्मल बॉडी का कलर, मैं एक बात बता रहा हूं सुन ले, बच्चों को लोगों को दुनिया को लगता है कि ये इंसान जो है वो काला गोरा नीला पीला पता नहीं कैसा है, ये एनवायरमेंट की वजह से है बेटा। अगर नॉर्मल स्किन के कलर की तरफ जाओगे तो नॉर्मल स्किन का जो कलर है वो नॉर्मल स्किन का कलर अगर कौन सा है, अगर बच्चे का कलर पिंक है तो मैंने मार्किंग देनी है दो। यहां पर अगर एक्रोसाइनोसिस है, अगर एक्रो पिंक कलर है बेटा, है ना, एक्रो मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को बता रहा है, कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है कि बच्चा परफेक्टली नहीं है, बीच की कंडीशन है, ये नॉर्मल है ये एबनॉर्मल है, इन दोनों के बीच की कंडीशन है। कि एक तो ब्लू कलर था बेटा, एक तो क्या था, ब्लू कलर था, और दूसरा जो कलर है वो कैसा है स्किन का, पिंक कलर, और इन दोनों के बीच की कंडीशन अगर है तो मैं मार्किंग दूंगा एक, मैं मार्किंग कितनी दूंगा एक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, पल्स रेट की, किसकी बात करते हैं, पल्स रेट की। अगर बच्चे की पल्स रेट क्या है, एब्सेंट है, शो ही नहीं हो रही, मतलब जीरो। अगर बच्चे की पल्स रेट मानी क्या कहा था हमने, अगर बच्चे की हार्ट रेट एब्सेंट है, दिल धड़क ही नहीं रहा, जीरो। अगर बच्चे का दिल धड़क रहा है और धड़क कितना रहा है, 100 से कम बीट पर मिनट धड़क रहा है बेटा, कितना धड़क रहा है, 100 से कम बीट पर मिनट धड़क रहा है, कितनी मार्किंग दूर है, एक मार्किंग दू। अगर बच्चे का दिल, अगर बच्चे का हार्ट बीट 120 नॉर्मल है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर 120 ही बोली आपको, कितना बोली है, मोर देन 120, लेकिन बहुत सारी किताबें बेटा जीरो भी कर रखी है, तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर हार्ट रेट कितनी आ रही है, मोर देन 100 बीट पर मिनट आ रही है, मतलब है कितना दिल धड़क रहा है, 100 से ज्यादा बार दिल धड़कता है, मतलब वो ठीक ठाक किया कर रहा है, दिल धड़क रहा है। नॉर्मल बोलेंगे तो कितनी होती है बेटा, 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट बच्चे की हार्ट रेट होती है। अरे कितनी होती है, 120 से 160, और एग्जैक्ट तुमसे पूछे ये तो रेंज है बेटा, और एग्जैक्ट तुमसे पूछे तो 140 बीट पर मिनट होती है, क्या होती है, 140 बीट पर मिनट होती है। समझ में आई क्या बात, अरे हाँ और नहीं बताइए मेरे को फटाफट से बताइए। अब देखिएगा ग्रीमिस मतलब क्या है, रिफ्लेक्स का रेस्पॉन्स है, बच्चा किसी तरीके की स्वेलिंग नहीं कर रहा, स्वेलिंग निकल नहीं रहा है, मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो क्या दूर है, मैं नंबर जीरो दे दू, क्या नंबर कितना दे दू, जीरो दे दूंगा। अगर जो है बच्चा क्या कर रहा है, हल्का फुल्का ग्रीमिस है, मतलब थोड़े बहुत उसमें क्या आ रहे हैं,
हीमोग्लोबिन देखी जा रही है, क्या देखी जा निकला जा रहा है वो क्या है बच्चा, ग्रेमिस है। क्या है बेटा जी, ग्रेमिस है। मतलब मैं उस बच्चे को क्या कर दूं, मैं उस बच्चे को नंबर दे दूं कितना, एक। और अगर मेरा जो टावर है, जो बालक है, वो फुली क्या है बेटा, वो फुली रेस्पॉन्स है, तो मैंने उसे नंबर कितने देने हैं, फिर मैंने उसे नंबर देने हैं बेटा जी दो। कितने मार्क देने हैं, दो मार्किंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्टिविटी की, किसकी बात कर रहा हूं, एक्टिविटी की। और अगर बच्चे की एक्टिविटी कैसे है, फ्लैश्ड है। फ्लैश्ड का मतलब क्या है बेटा, बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं कर रहा, ना हिल रहा, ना डुल रहा, ना रो रहा, ना चिल्ला रहा, ना रीक रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो मार्किंग कितनी दूर है, जीरो दूं। अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर क्या है बेटा, वो अपने हाथ पैरों में क्या कर रहा है, एक्सटेंशन करता है, है जी, एक्सटेंशन करता है, या फिर क्या करता है बेटा, अबडक्शन करता है, अडक्शन करता है, अरे कहने का मतलब थोड़े बहुत मूवमेंट वो कर रहा है, सम एक्सटेंशन, सम एडक्शन, सम अबडक्शन कर रहा है, तो मार्किंग कितनी दूं मैं, एक दूं। अगर बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, बराबर एक्सटेंशन कर रहा है, बराबर हाथ पैरों का मूवमेंट दिखा रहा है, समझ में आ रही है बात, बराबर एक्सटेंशन कर रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, रीक रहा है, मतलब बच्चा जो है रो रहा है पैदा होने के बाद, बिल्कुल परफेक्ट बात है, रोना चाहिए वो, हाँ जी और नहीं जी, बिल्कुल रोना चाहिए। और अगर वो रो रहा है तो मैं मार्किंग कितनी दूर है, दो। कितनी मार्किंग दूं, दो। नेक्स्ट आ जाइएगा रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, रेस्पिरेशन की। अगर सांस ले ही नहीं रहा, कंडीशन कैसी है, सांस नहीं ले रहा, तो उसे क्या बोलते हैं, एपनिया। क्या बोलते हैं, एपनिया। सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन सुना है क्या, टेम्परेरी, हाँ जी, सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा मैं, अरे बोलो क्या बोलूंगा, एपनिया। एपनिया मतलब जीरो। अगर रेस्पिरेशन रेट जो है, अगर रेस्पिरेशन रेट जो है कैसे है बेटा जी, इरेगुलर है। कैसी है, इरेगुलर। और लेस देन 30 ब्रीथ बोला है, बीट नहीं बोला है, गलती नहीं करें, कितना 30 ब्रीथ पर मिनट से कम है, मतलब मार्किंग देनी एक है। और ब्रीदिंग जो है कितनी है, मोर देन 30 ब्रीथ पर मिनट है, मतलब मार्किंग दो देनी है बेटा। ये फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट आपके कंपटीशन एग्जाम में कई क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। इस बात का दावा इम्पेटस अकेडमी करती है, इस बात का दावा मैं करता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आते हैं, आप दिमाग में फीड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, और जब आप सेव करें बेटा तो हमको भी थोड़ा सेव कर दीजिएगा, है जी। हाँ, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए डियर, ताकि हम और अच्छे से ग्रोथ और बच्चों तक पहुंच सकें जिन्हें हो सकता है कुछ टाइम की पढ़ाई, कुछ पल का दिया हुआ उनका लोगों का टाइम बेहतर से उन्हें और बेहतरीन बना दे। तो बात समझ में आई क्या, अगर स्कोरिंग चल रहा है, मिनिमम मार्किंग जीरो है, मैक्सिमम मार्किंग दो है, वैसे चलूं तो जीरो है और मैक्सिमम 10 है, अपीरियंस है, पल्स है, बेबीस है, एक्टिविटी है और रेस्पॉन्स है। समझ में आया क्या, अरे बोलिए हाँ और नहीं, क्योंकि ये समझ पाना जरूरी है। अगर ये समझ नहीं आता ना बेटा तो बड़ी दिक्कत बात है, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अब सुनिए, कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर मार्किंग दे दिया आपने, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू, है जी। हाँ, बिल्कुल सभी बच्चों के घर में है, जो बच्चे क्लास से पढ़ते हैं, जो नोई नहीं भी पढ़ते हैं, अपन अपने आप से वादा करते हैं कि हम हर एक बच्चे को इस अकेडमी से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई हम देंगे नॉलेज, हम देंगे भंडार भरकर, हम फालतू की ज्ञान देने से मतलब हमें नहीं। चलिए आगे की बात आइएगा, अपन कह रहे हैं स्कोर, एक तरफ मैं स्कोर लिख देता हूं और एक तरफ मैं क्या लिख दूं कि वो कौन सी कैटेगरी है, या फिर मैं क्या लिख दूं, सिचुएशन लिख दूं, हेल्थ लिख दूं, वेल्थ लिख दूं, हेल्थ लिख दूं, वेल्थ तो कैसे लिख दूं भाई, पैसा है, कैसे है, पैसा है, हेल्थ लिख दूं। चलिएगा, फर्स्ट है स्कोरिंग और दूसरा क्या है, हेल्थ, कि भाई साहब आपने अपगार स्कोरिंग करी और स्कोर आ रहा है 8 से 10 के बीच में, स्कोर कितना आ रहा है, 8 से 10 के बीच में स्कोर आता है, तो वो पर्सन कौन से सिचुएशन में है, वो बच्चा कौन से सिचुएशन में है, वो बच्चा क्या है बेटा, वो नॉर्मल है और उसे किसी स्पेशल केयर की जरूरत नहीं है, उसे क्या करें आप, रूटीन केयर दे दें, वो कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बेटा जी, ठीक हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? अगर स्कोरिंग जो है वो स्कोरिंग कितनी आ रही है डियर, चार से, अरे कितनी आ रही है बेटा, चार से सात के बीच में आ रही है। कितनी स्कोरिंग आ रही है? चार से सात के बीच में आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उस बच्चे को हमको ऑक्सीजन देने की जरूरत है। हम क्या करेंगे? बच्चे को O2 थेरेपी तो देंगे ही देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, साथ ही साथ में बच्चे की जो बैक है, बच्चे की जो पीठ है, उस पीठ को क्या करना है बेटा, रबिंग, अरे रब करना है, ऐसे 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 वाला, ठीक है। और बच्चे के जो सोल है, पैर है, पैरों के नीचे का जो हिस्सा है, उन्हें भी क्या करना है, रब करना है। क्या करना है? उन्हें भी रब करना है। इससे क्या होगा? कुछ एक्टिवेशन होगा और बच्चा जो है पगार स्कोरिंग इनक्रीज होगा। अगर अगर बेटा स्कोरिंग जो है, अगर CPR की स्कोरिंग कितनी आ रही है, 0 से लेकर 3 के बीच में आ रही है, मतलब मच डेंजरस कंडीशन है डियर। क्या है? मच डेंजरस कंडीशन है। यहां पर बच्चे को जो है हमें क्या करना पड़ेगा रे, हमें करना पड़ेगा इमीडिएट केयर देनी पड़ेगी। और इमीडिएट केयर क्या दूंगा लाला और लालियों? CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन दूंगा। किससे देते हैं? तो 2 थंब काम में ले लो या 2 फिंगर काम में ले लो बेटा, है जी। इस तरीके से होल्ड करते हैं, टक 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 टक, ऐसे ऐसा टक टक करते हैं, समझ में आ रही है। CPR देते हैं। अगर रेशो की बात करें तो कितना होता है? 15:2 होता है। अगर रेस्क्यू 2 है, अगर रेस्क्यू 2 है, अगर रेस्क्यू 1 है तो 30:2 होता है। कितना होता है? 30:2। CPR की भी क्लास रखी जाएगी बेटा, आप चिंता ना करें, है? समझ रहे हैं बात को? बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता होगा कि सर के पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है, सर आज भी उस पुराने जमाने से जीते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, यहां पर जो हम गेन कर सकते हैं, ये जो चीजें